तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप अपनी सिम कार्ड को पोर्ट कराते रहते हो या पोर्ट कराना चाहते हो तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों सिम पोर्ट कराने से पहले कुछ बातों का जानना बेहद जरूरी होता है, अगर वो बातें हमको ना पता हो तो हम अपने यहाँ पर सिम कार्ड से या तो हाथ धो बैठते हैं या तो हमको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जो भी आप लोगों का नुकसान होने वाला है उससे भी आप बच पाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, सभी लोग वीडियो को एक एक लाइक जरूर से कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा मार्केट में काफी सारे ऑफर दिए जाते हैं सिम कार्ड को पोर्ट कराने के लिए, मगर दोस्तों हमको क्या पता होता है कि हम लोगों का क्या नुकसान होगा, क्या यहाँ पर फायदा होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों को क्या नुकसान होने वाला है अगर आप पोर्ट कराने वाले हो। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर हमको अपने सिम कार्ड को पोर्ट कराना है किसी अदर ऑपरेटर में तो हम लोगों को यहाँ पर जो सबसे सस्ता प्लान आता है पोर्ट कराने के लिए, यानी दोस्तों सबसे सस्ता प्लान आता है SMS भेजने के लिए, वो आता है दोस्तों यहाँ पर 130 रुपए का। तो हम लोगों को 130 रुपए का रिचार्ज कराना होगा अगर हमारे नंबर पे रिचार्ज नहीं है। और काफी भाइयों का ये भी कमेंट होगा कि हमने रिचार्ज जो करा लिया है वो अगर हम पोर्ट कराएंगे तो क्या वो वाला रिचार्ज मिल जाएगा जो हमने पोर्ट कराने के लिए कराया है। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ वो रिचार्ज आप लोगों को नहीं मिलेगा। जब भी आप अपने सिम कार्ड को पोर्ट कराने के लिए जाते हो तो आप लोगों को एक मैसेज टाइप करना होता है, PORT पोर्ट स्पेस मोबाइल नंबर। तो थोड़ी ही देर बाद आप लोगों को UPC कोड आ जाता है जिससे आप लोग पोर्ट करा सकते हो। उसके थोड़ी देर बाद आप लोगों का एक और मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है जो भी आप लोगों का वैलिडिटी प्लान है या आप लोगों का जो भी रिचार्ज है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो कंपनी की तरफ से ये बता दिया, तो पोर्ट करने के लिए जो रिचार्ज कराते हो या उससे पहले का रिचार्ज चल रहा है अगर आप दूसरे सिम कार्ड में पोर्ट करा लेते हो तो उसमें जो पुराना रिचार्ज है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। और दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आप लोग पोर्ट कराते हो तो आप लोगों को खोना पड़ता है वो है दोस्तों आप लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर। अगर आप अपने सिम कार्ड को पोर्ट कराते हो किसी दूसरे सिम कार्ड में तो जो पुराने सिम कार्ड में आप लोगों के नंबर होते हैं सेव नंबर, वो आप लोगों को नई सिम कार्ड में नहीं मिलेंगे। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो लॉस कर दोगे। और दोस्तों आप लोगों को एक बात का जरूर से ध्यान रखना है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोग एयरटेल का सिम कार्ड यूज करते हो उसमें आप लोगों का इंटरनेट या आप लोगों को कोई भी कॉलिंग की यहाँ पर सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है, अगर आप चाहते हो किसी अदर ऑपरेटर में पोर्ट कराना, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर वी में पोर्ट करा लिया और यहाँ पर एयरटेल से बुरा यहाँ पर इंटरनेट चल रहा है आप लोगों का या यहाँ पर कॉलिंग वगैरह नहीं हो रहा है, तो आप लोग सोचो कि चलो हम इसको दोबारा से पोर्ट करा लेते हैं उसी ऑपरेटर में या किसी अन्य ऑपरेटर में। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है, जिस ऑपरेटर में आपने पोर्ट कराया है उसमें आप लोगों को 90 दिन गुजारना होगा तभी आप किसी अन्य ऑपरेटर में जा सकते हो। तो ये भी आप लोगों को बात का जरूर से ध्यान रखना है, दोबारा से आप 90 दिनों बाद ही पोर्ट करा पाओगे। चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि आप लोगों ने अपने सिम कार्ड को पोर्ट करा लिया क्योंकि आप लोगों को एक अच्छा ऑफर मिलता था या आप लोगों अपना पोर्ट कराना ही चाहते थे, तो आप लोगों को एक बात जरूर से ध्यान रखना है, आप लोगों ने जिस भी एजेंट से सिम कार्ड को पोर्ट कराया है तो उस एजेंट का आप लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर जरूर लेना है, क्योंकि दोस्तों जब भी सिम कार्ड पोर्ट होता है कंप्लीट आप लोगों का यहाँ पर पोर्ट हो जाता है तो आप लोगों को टेली वेरिफिकेशन सबसे पहले करना होता है। सिम कार्ड टेली वेरीफाई होने के बाद में उस सिम कार्ड में फर्स्ट रिचार्ज पड़ता है जो कि दोस्तों यहाँ पर जिसको FRC बोलते हैं वो FRC वही एजेंट डालता है जिससे आप लोगों ने अपने सिम कार्ड को पोर्ट कराया है। तो दोस्तों जब तक यहाँ पर टेली वेरिफिकेशन नहीं होगा तो FRC नहीं पड़ेगी, और अगर FRC नहीं पड़ती है तो आप लोगों का सिम कार्ड भी चालू नहीं होगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और काफी भाइयों का एक सवाल लेता है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि 3 दिन लगता है सिम पोर्ट होने में, तो काफी भाई ये सोचते हैं कि आज हमने पोर्ट करा लिया तो क्या हमारा ये सिम कार्ड बंद हो जाएगा, 3 दिन बाद सिम खुलेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी आप पोर्ट कराओगे तो यहाँ पर 3 दिन दिया जाता है, अगर किसी अदर स्टेट का है सिम कार्ड, अगर अदर स्टेट में आप पोर्ट करा रहे हो तो यहाँ पर 7 दिन भी लग सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आज हमने पोर्ट कराया तो हमारा सिम कार्ड का नेटवर्क नहीं जाएगा, वो जब तक हमारा 3 दिन या यहाँ पर 7 दिन तक ये चालू रहता है, चालू रहने के बाद में 7 यानी दोस्तों नाइट में रात के 11 या 10 बजे के बीच में इसके नेटवर्क जाते हैं, जिसमें आप लोगों ने पोर्ट कराया है उसमें उसके नेटवर्क आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों जब पोर्ट कराओगे तो आपका तुरंत ही सिम कार्ड बंद नहीं होगा, जैसे ही ये सिम कार्ड आप लोगों का पोर्ट हो जाएगा तो इसमें नेटवर्क जाकर इसमें आ जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, बाय।